इसमें पहले हम इसकी ऐसे मैंने ट्रेंगल शेप में रखा हुआ है इस तरह से। अब हम इसकी लेंथ नापें कितनी हमारी लेंथ है, तो इसकी 21.5 है। तो अब हम शोल्डर का नाप लगाएंगे। जितना भी आपका शोल्डर है आप वो अपने अनुसार लेना। तो मैं इसमें रख रही हूँ 5.5। यहाँ जहाँ से हमने निशान लगाया शोल्डर से उसी के अंदर से हम इसकी लेंथ नापेंगे। तो मेरी इसमें 16 इंच आ रही है लेंथ इसकी। 16 इंच पर ही हम इसके गोल बनाएंगे, राउंड शेप देंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने डॉट डॉट करके लगाया निशान। तो अब मैं इसे डार्क कर दूंगी। तो ये तो बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है, सलवटे वगैरह पड़ती है तो आगे की तरफ अच्छा लगता है इसमें। अब हम इसमें आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो मैंने इसमें 5 इंच पर लगाया है आर्म होल का निशान। और इसका हम एक इस तरह से बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, हम इसे राउंड शेप देंगे। यहाँ फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं तो हमें इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा भी लेना पड़ेगा। और इसे भी राउंड शेप देते हुए इस तरह से गोल कर देंगे। हम इसे यहाँ से हटाएंगे कोना हमारा। इस तरह से काटने के बाद ये जो राउंड शेप दिया हमें, यहाँ से भी इसी तरह से काटना है। तो इस तरह से होने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे मैं पट्टी लगाऊंगी फ्रंट की तरफ। बैक और फ्रंट को ज्वाइंट करने के बाद हम इसमें पट्टी काटेंगे। तो मेरी ये 2 इंच की पट्टी है तो मैं इसमें 2 पट्टी बना दूंगी, डिवाइड कर दूंगी बीच में से इस तरह से। तो इसे मैंने इस तरह से बैक और फ्रंट को ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ से पट्टी लगाएंगे। तो मैंने इसमें इस तरह से पट्टी लगाई है। तो इस तरह से मेरा ये टॉप बनकर तैयार हो जाएगा। ये बनने में बहुत सुंदर लगता है। तो आप बनाना फिर लेंथ के अनुसार कपड़े पर। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।